Hello guys, welcome back to my channel. किसको आंसर बो? अभी फ्राइज़न केचप रख रहे हैं और अभी स्कूल जा रहे हैं और अभी फ्राइज़न केचप लेके जा रहे हैं लंच में। दूजी को और बताओ और बातें करो और अभी जूस पी रहे हैं स्कूल में वाटर बॉटल लेके जा रहा है और अभी नमकीन लेके जा रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखिए चीकू अपने आप लंच अपना पैक कर रहा है। चीकू हमेशा अपने आप ही लंच मैं रख देती हूँ यहाँ पे सब कुछ, उसके बाद वो अपने आप पैक करता है सारी चीजें। तो अब इसमें से केचप निकालेगा गाय चीकू ने केचप रख दिया है। लेट कहाँ है, लेट रखी है ना। इट्स मस्टर्ड सॉस। डिपिंग सॉस। ओके तो चीकू ये गुड्डे बिस्किट लेकर जा रहा है। वो अलग बात है कि खाता नहीं है, इसका हाफ खा लेगा। तो फिर भी दो बिस्किट रख देती हूँ मैं अलग से कुछ बाई चांस अगर मन कर जाए। चलो गुड। चीकू ने पैक कर लिया अपना टिफिन। टिफिन बैग आपका वो है, उठाओ। इट्स लंच बॉक्स। लंच बॉक्स रखो इसके अंदर। अच्छा गो दियर जाओ। आज बॉडी में थोड़ी सी इसकी एलर्जी, एक्चुअली इसको एलर्जी है थोड़ी, तो इसको मैं एलर्जी की मेडिसिन देती हूँ। बाकी आज सुबह से इसको थोड़ा ज़्यादा ही हो रही है स्नीजिंग वगैरह। हाँ बहुत इरिटेशन हो रही है। बेटा जूस नहीं रखा तो देखते हैं अभी टेम्परेचर चेक करके देख लेते हैं। टेम्परेचर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं एलर्जी की मेडिसिन और दे दूँगी आज। चलो गुड। केयरफुल केयरफुल, इधर 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 जाना है ना, भूल जाते हो। ये लो टेम्परेचर चेक करते हैं, देखते हैं। रुको रुको। ओके वेट, अभी नहीं अभी नहीं। नो फीवर अगेन। ओके अगेन, सो नो फीवर। ओके ओह नो फीवर गुड। चलो लंच बॉक्स रखो डाइनिंग टेबल पे। अब मैं जाती हूँ, इसको बनाना शेक थोड़ा सा खिला देती हूँ, उसके बाद मेडिसिन दे दूँगी। चलिए मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? चीकू ने बिल्कुल सही कहा कि अभी हम लोग एक्चुअली अपने फ्रेंड की कार में बैठे हुए हैं। कल उनके पेरेंट्स आ रहे हैं इंडिया से,
तो उनकी कार छोटी है और इसमें उनके बैग्स वगैरह जो है अटैची वगैरह आ नहीं पाती, हमारी कार बड़ी है तो इसीलिए वो उन्होंने हमारी कार आज के लिए मांगी है। तो वो कल लेकर गए हैं और अपनी कार छोड़ के गए क्योंकि चीकू को स्कूल वगैरह ले जाना है या कुछ है, तो बस इसीलिए आज हम लोग उनकी कार से चीकू को स्कूल लेके जा रहे हैं। चीकू को वैसे भी डिफरेंट कार बहुत पसंद है, कभी किसी की कभी किसी की। तो बस गाइस यही चल रहा है, उसके बाद आज स्कूल से हम लोग निकलेंगे जब आज छुट्टी में, उसके बाद हम लोग जाएंगे इसके ओल्ड स्कूल जहाँ ये पहले पढ़ता था, और क्योंकि ये बहुत टाइम से वहाँ पे जाने को बोल रहा है, सबसे मिलने के लिए बोल रहा है, इसकी जो टीचर थी और जो पैरा एजुकेटर्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि काफ़ी वो लोग प्यार भी इसको करते हैं। तो हम लोग फिर वहीं जाएंगे थोड़ा सा मिलने के लिए, उन लोगों ने बोला है आने के लिए, तो जाएंगे थोड़ी देर मिलेंगे, उसके बाद बस फिर वापस आ जाएंगे घर पर। बाकी कार का देखते हैं कार कब तक वो लौट आते हैं हमारी। तो राज को थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि दूसरी कार चलाने में थोड़ा लगता तो है ही अजीब सा अपनी कार में सब सेट। अजीब सा इंसेंस को कि वो इतनी नीचे है ना, तो इट्स वीर्ड। हाँ भाई वो है ना सीआरवी है, तो थोड़ी सीआरवी की हाइट ऊंची होती है तो इसीलिए कि थोड़ा नीचे है तो वैसे ही लग रहा है इसीलिए। लेकिन चीकू को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि चीकू को थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया, और वैसे भी वो डिफरेंट कार में बैठने के लिए सब बोलता ही रहता है हमेशा। तो बस गाइज मैंने आज इसको लंच में फ्राइज एंड केचप रखा है और थोड़ी सी नमकीन रखी है, तो वही है वही खाता है ये, और बाकी तो और कुछ नहीं है बस इसके इसको स्कूल छोड़ के फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। Thank you.
गाइस ये देखिए अभी हम लोग बाहर आए हुए हैं और चीकू एंड राज ये स्टारबक्स के अंदर गए हुए हैं कॉफी लेने के लिए। मैं कार में ही बैठी हूँ। बाहर का कुछ ऐसा है यहाँ पे। ये डेंटिस्ट की क्लिनिक है सामने। उधर बरीटोज मिलते हैं, टाकोज है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो अच्छा अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। हवा चल रही है हल्की, ठंडा तो है बट ठीक है। तो बस हम लोग अभी आराम से घर पे बैठे हुए थे पर राज ने कहा कि चलो बाहर थोड़ा सा निकलते हैं। चीकू स्कूल से आया था तो बस हम लोग फिर थोड़ा सा बस ऐसे ही जैसे कपड़े पहने थे घर में बस फटाफट ऐसे ही आ गए। तो यही था कि चलो कॉफ़ी बाहर पी लेते हैं स्टारबक्स की। तो चाय वाय नहीं बनानी पड़ेगी, बस कॉफ़ी पी के आ जाएंगे वापस। तो बस ये लोग कॉफ़ी लेके आते हैं। उसके बाद चीकू को जाना है कैंडी स्टोर। तो अभी चीकू जाएगा कैंडी स्टोर। और ये इस साइड का है व्यू। ये देखिए पीछे माउंटेन्स हैं। देखिए हवा चल रही है, काफी पेड़ देखिए हिल रहे हैं। तो गाइस ये रही मेरी वाइट चॉकलेट मोका लेकर आए लोग। और अभी गए हैं, दिख रहा होगा उधर आपको, ये ग्रीन के पीछे कैंडी स्टोर है। वहाँ पे कैंडी स्टोर के एक्चुअली वो स्टोर है तो वहाँ पे सारी चीज़ें लाइक मिलती हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें सारी मिल जाती हैं वहाँ पर। तो बस चीकू को वहाँ पे कैंडी भी मिलती है तो चीकू ने उसका नाम ही कैंडी स्टोर डाल दिया है। तो कैंडी लेने के लिए जाता है चीकू वहीं पर हमेशा। तो बस वहाँ पर हम जब भी इधर आते हैं तो उसको यही होता है कि वहाँ से कैंडी लेनी है। तो बस चीकू गया है राज के साथ वहाँ पे कैंडी लेगा और दो तीन कैंडी लेता है बस, ले उसमें खुश हो जाता है। और मैं बस अब ये पीऊँगी, अभी तो बहुत गर्म हो रही है। तो अच्छी होती है, इसका टेस्ट अच्छा होता है वाइट चॉकलेट मोका का, काफ़ी मतलब मुझे पसंद है। और कॉफ़ी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं एक्चुअली। कॉफ़ी मुझे पसंद है बट मुझे अपने हाथ की बनाई हुई पसंद है, मुझे ये स्टारबक्स की इतनी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। थोड़ा वो होती है ना लाइक थोड़ा सा हार्ड होती है, कड़वी सी लगती है तो मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। इसीलिए तो जो मैं घर पे बनाती हूँ फिल्टर्ड वाली मुझे वही अच्छी लगती है। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे स्टारबक्स आना होता है राज कॉफ़ी लेते हैं, बाकी मैं कुछ और अपनी चीज़ें ले लेती हूँ। तो बस गाइस ये देखिए बाहर का ऐसे इस टाइम पे भीड़ भाड़, क्योंकि इवनिंग का टाइम है तो काफ़ी भीड़ भाड़ चहल पहल हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक लकी स्टोर है तो कभी कुछ ग्रोसरी करनी होती है लाइक कुछ छोटा मोटा चीज़ लेनी है तो फटाफट यहीं पे आके हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये घर के पास में ही है, ये ज़्यादा दूर नहीं है ये एरिया। तो इसीलिए कुछ टमाटर है, धनिया है, कुछ इस तरीके का ख़त्म हो गया तो हम फटाफट यहीं से आके ले जाते हैं। तो चलिए गाइस फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। बाय।